हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। चोट लगने पे ज़रूरी दवा ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज हीलिंग इफेक्ट ऑन वुंड्स। चोट लगने पे तुरंत आराम के लिए जैसे लाठी से, ब्लंट आइटम से, मोटे आइटम से चोट लग जाए जिसमें धार ना हो, उसमें आर्निका 200 बहुत अच्छा काम करता है। आर्निका 200 और बेलाडोना 200, जिससे चोट लगने से नीला आ जाता है स्किन। जहाँ चोट लगता है धूस लगने से, सड़क पे गिर जाने से या कहीं भी गिरने से जो चोट लग जाता है, धूस जिसको कहते हैं, रगड़ से, रगड़ की वजह से जो चोट लगता है, उसमें आर्निका 200 और बेलाडोना 200, जिसमें स्किन नीला हो जाता है, चमड़ी नीली हो जाती है, उसमें खून जम जाता है, उसको कम करने के लिए, जमाव को, खून के जमाव को कम करने के लिए आर्निका 200 और बेलाडोना 200 15-15 मिनट पे चोट लगने पे के बाद तुरंत 15-15 मिनट पे दवा लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से कहीं चोट लगने की वजह से खून निकल रहा है, उसमें कैलेंडुला क्यू तेल में, तिल्ली के तेल में या पानी में 5-20 बूंद 30 बूंद डाल के लगाने से, पानी गुनगुना हो बॉयल्ड, तो बहुत जल्दी खून बंद हो जाता है। इचिनेसिया क्यू, इचिनेसिया अंगोस्टी फोलिया, इसमें सूजन वगैरह कम हो जाता है। क्यू, इचिनेसिया क्यू पानी में मिला के लगाने से बराबर मात्रा में, जहाँ पे खून आ रहा है या सूजन है, उसमें बहुत जल्दी आराम हो जाता है। हेमामिलिस क्यू, जहाँ पे खून जम जाता है, काला काला खून निकलता है, ब्लीडिंग एंड वेनस स्टेसिस के लिए इचिनेसिया क्यू बहुत अच्छा, अरे हेमामिलिस क्यू भी बहुत जल्दी काम करता है। हेमामिलिस क्यू 5 बूंद बॉइल्ड गुनगुना पानी में डाल के पी ले और घाव पे लगा भी ले, बहुत जल्दी काम करता है। इसी तरह से रूटा ग्रेव, रूटा 200 5 बूंद 1 कप बॉइल्ड गुनगुना पानी में लेने से चोट में, एड़ी के चोट में बहुत जल्दी काम करता है। स्ट्रीनस इफर्ट्स, अनड्यूली स्ट्रीनस इफर्ट्स, बहुत जल्दी एड़ी में चोट लग जाने पे इतना असह दर्द होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। उसमें रूटा ग्रेव लेने से बहुत जल्दी काम करता है। फ्रैक्चर में, कहीं पे एक्सीडेंट में, हाथ पैर की हड्डी टूटने पे प्लास्टर बांधने के बाद सिम्फाइटम 200 और कल्केरिया फास 6x दोनों दवा बारी बारी, आधे आधे घंटे पे, एक एक घंटे पे, आराम हो जाने पे 2-2 घंटे पे लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। फ्रैक्चर की हीलिंग, पैरम
कलकेरिया फास, सिक्सक फेरम फास, सिक्सक और सिम्फा आइटम 200 लेने से, सिम्फा आइटम 200 एक एक घंटा दो दो घंटे पे लेने से, और फेरम फास कलकेरिया फास सिक्सक दो दो टिकिया चार टिकिया सुबह दोपहर शाम बॉयल गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी हीलिंग हो जाता है, फ्रैक्चर बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। इसे तो 1.5 महीना प्लास्टर में रहना पड़ता है, कभी कभी 1.5 महीने ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो उसमें सिम्फा आइटम 200 और कलकेरिया फास 2-6x और फेरम फास 6x दवा लेने से बहुत जल्दी और बहुत मजबूत हड्डी जुड़ जाती है। इस तरह से चोट में दवाओं का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। पूरे बदन में अगर चोट की वजह से दर्द है तो रस्टॉक्स 200 यूक्टोरियम पर 30 लेने से भी दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें रिक्वेक का R3 R6 फेवरेस इन्फेक्शन में, R3 मस्कुलर वीकनेस ऑफ द हार्ट, R11 इन रूमेटिज्म, R46 विथ इंजरीज ऑन द हैंड्स, R16 विथ माइग्रेन एंड न्यूरेलजिया लेने से, इंपेंडिंग टू कोलैप्स एट इन टाइम R67। कभी कभी हेड इंजरी होने से, उसमें ब्लॉकेज होने से बहुत बड़ी समस्या हो जाती, कोमा में मरीज चला जाता है। उसमें आर्निका टेनियम 2 खुराक 10-10 मिनट के अंदर ले ले, पानी बॉयल गुनगुना में डाल के 5 बूंद, तो ब्लॉकेज या वो खून जमने नहीं पाता है, वो आदमी कोमा में भी नहीं जाता है। और नेट्रम सल्फ 200 वो दिन में 5-6 बार 7 बार हर घंटे पे 8-10 बार ले, उससे वो खून जमने नहीं पाता है और मरीज नॉर्मल हो जाता है और ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इंजरी में क्लॉटिंग रोकने के लिए, ब्रेन में क्लॉटिंग रोकने के लिए हेड इंजरी में निकाटेनियम व नेट्रम सल्फ 200 दवा लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और निकाटेनियम दूसरे तीसरे दिन ले, 2 खुराक 10-10 मिनट के इंटरवल पे, 5 बूंद 1 कप बॉयल्ड गुनगुना पानी में। इसी तरह से नेट्रम सल्फ दिन में 8-10 बार ले 200, तो उससे ब्लॉकेज नहीं होता है ब्रेन में और आदमी कोमा से बच जाता है। धन्यवाद।